ये बात मैं अब जया को कैसे बताऊंगा? काका, क्या हो गया? कौन सी बात है? कुछ बताओ तो सही। हाँ बताता हूँ। एक काम करो, मैं सबके सामने बताऊंगा, तो बाहर जाओ और जया के अलावा सब घर वालों को इकट्ठा करो, मैं आता हूँ। जया के अलावा सब घर वालों को इकट्ठा करूंगा तो जया दीदी को कैसे बताओगे आप? जो बताया वो करना। जया के अलावा सबको इकट्ठा कर, बताओ, मैं बात करना चाहता हूँ। जी काका। जय, ये तेरे ससुर जी भूखे शेर की तरह पिंजरे में ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हैं? काश मुझे पता होता डैड, हमारा हाल वैसा ही है जैसे शेर के सामने बंधी बकरी। मैं कोई बात नहीं, शेर की पूछ ले लेते। क्या? शेर को पूछ लेते। सुधाकर, हाँ, उनको पता है ना हम लोग आ गए? हाँ हाँ काका। अरे आप लोग आ गए? बाबा क्या हुआ? कोई बात है जो आपको हम सबको बतानी है? आपने हम सबको बुलाया है यहाँ पर। हाँ बेटे, आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। तो क्या है, सरकार की तरफ से मुझे एक खत आया है। आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया है? अरे बहन जी, हम जैसे गरीबों को इनकम टैक्स वाले क्यों नोटिस भेजेंगे? है क्या हमारे पास? सही बात है, आप कहाँ इस भोली की बातों में आ रहे हैं। क्या लिखा है उस लेटर में ये बताइए ना। इसमें ये लिखा है कि चंद्रपुर के जंगलों में जो वनवासी जाति जमाती के लोग रहते हैं वो डॉक्टरों से इलाज कराने से डरते हैं। तो ये खत के जरिए सरकार मुझे विनती कर रही है कि मैं वहां चला जाऊं और वनवासी जाति जमाती के लोगों को अपने आयुर्वेद की उपचार पद्धति सिखाऊं ताकि वो खुद अपना उपचार कर पाए। क्या बात है। हाँ, और सामान्य रोगों की वजह से होने वाला मरणांक कम हो जाएगा। अरे आपको तो फॉरेन जाना चाहिए। हाँ। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, फॉरेन नहीं जाना है, चंद्रपुर के जंगल में जाना है। हाँ, आप भी ना क्या बोल रहे हैं। लोखंडे जी, तो आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि वो जंगल में जाने से डर रहे हैं इसलिए। क्या है सुषमा बेटी, जब से गई है तो जया बहुत ही उदास रहती है। मैं भी जानता हूँ कि जया बेटी कितनी उदास रहती है। हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो जया का क्या होगा। अरे आप ही क्या लोखंडे जी, अरे अगर उसके बाबा चले गए तो उसके बाप समान उसका ससुर तो है। हाँ। चाचा समान चाचा भी तो है। माँ समान सास हूँ मैं, माँ समान दाई माँ, बहन समान ननद। मेरी भी तो कुछ है। हाँ। अरे मेरी तो बीवी है। इसकी तो बीवी समान है। अरे बाबा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप और सुधाकर जी आराम से जाइए वहाँ। हाँ। नहीं वो क्या है ना कि कितने सालों से जया दीदी के साथ या तो मैं या तो सुषमा दीदी कोई ना कोई पूरा दिन रहता है, तो मैं भी अगर चला जाऊंगा तो अकेला अकेला महसूस करेगी ना जया दीदी। तो काका मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं, नहीं। सुधाकर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तीनों मिलके जया का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। लेकिन मैं वो आप मत जाइए सुधाकर जी। बाबा आपके साथ मैं चलता हूँ।
जय भैया आप चले जाएंगे तो फिर जया दीदी को और अकेला लगेगा ना। कैसे लगेगा अकेला सुधाकर जी, यहाँ कितने सारे लोग हैं जया का ख्याल रखने के लिए। लेकिन वहाँ जंगल में बाबा का ख्याल रखने के लिए कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है बाबा, मैं चलूंगा आपके साथ। हाँ। अरे हाँ बराबर बराबर कहा आपने जय भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काका मैं आपके साथ आऊंगा। अच्छी बात। कैसे आपकी मर्जी। अब सवाल ये है कि ये सब मैं जया बेटी को कैसे बताऊंगा। मैं बताऊंगा बाबा, मैं बताऊंगा। जया को मनाना है ना, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं कर दूंगा। बहुत अच्छे बेटे। प्रेमचंद जी एक बात बोलूं? जी। जया बेटी कितनी खुशनसीब है, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग मिले हैं, ये सब देखकर मुझे शांति मिलती है। अब मैं निश्चिंत मन से चंद्रपुर के जंगल में जा सकूंगा। जाइए जाइए जाइए, मतलब आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं जया को मनाने की तैयारी करता हूँ। चलो आएगा ना? बिल्कुल जाएंगे सुधाकर। नहीं जय, मैं बाबा को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वो तो ऐसे भी नहीं जाने वाला। क्या? वो ऐसे भी जाने वाले नहीं है। हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? लो तुम्हें पता ही नहीं है। ओहो, अभी उन्हें बुलाता हूँ, उन्हीं से पूछ रहा तुम। सुधाकर जी, सुधाकर जी, अरे जरा बाबा को लेकर आइए। अरे सुधाकर भावड़ा, क्या काका 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 कर रहा है कसका कौवे की तरह? अरे काका, जया दीदी का मुंह देखो कैसे फूल गया है। अरे है ना जया बेटी, चिंता मत करना बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बनाता हूँ और तुमको पिलाता हूँ, तुम्हारा मुंह एकदम सही हो जाएगा। बाबा वो काढ़ा दिन में कितनी बार लेना है? दो बार। अच्छा, दो वक्त की रोटी के बाद दो बार काढ़ा। पिताजी आप? पिताजी नहीं, बाबा है ना, बाबा है और वो सुधाकर जी। काका, काका मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। काका क्या गड़बड़ लग रही है तेरे को रे? काय रे काका, मुझे ना शक हो रहा है काका। अरे सुधाकर, कितनी बार तेरे को बोला है कि शक मत कर, शक मत कर, किसी में भी शक करता है तू। परसों के दिन वो आईने में अपने बाल बना रहा था तो कहने लगा, काका मुझे अपने चेहरे को देखकर मुझे शक होने लगा है। बोल। अरे नहीं काका। क्या है सुधाकर जी, क्या हुआ आपको? अभी अभी किस पे शक हो रहा है आपको? जय भैया। हाँ। आप पे नहीं। हाँ। जय भैया मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि जया दीदी आपको प्यार नहीं करती है। सुधाकर बावड़ पहली बार तेरी बात मेरे को सच लग रही है रे। है ना काका? तेरा शक सही है, जया जय को प्यार नहीं करती रे। बाबा मेरा मतलब पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो, मैं जैसे प्यार नहीं करती? जया तुम जैसे प्यार नहीं करती हो। मैं और सुधाकर घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं और तुम अपने आप को इस घर में अकेला महसूस कर रही हो। अरे है ना तेरा पति है ना, तेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है, जय मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखता तो? हाँ, लेकिन उसका परिवार, वो मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। ओ हेलो हेलो हेलो, ये पूरा प्लान जो है ना, जो तुम देख रही हो, ये सब मेरा है। हाँ तो क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। आप बताओ, अब तो नहीं मिस करोगी ना सुधाकर जी और बाबा को? अब वो तो मैं समझ गई, मेरा ये परिवार मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगा। मुझे लगता था कि जब बाबा और सुधाकर भैया चले जाएंगे तब मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन जब ऐसा ससुर हो और ऐसी ननद हो ना, तो कोई किसी को क्यों मिस करे। चलो अपना ख्याल रखना, तुम्हें ऐसा मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए निकलता हूँ। लोखंडे जी आप अकेले नहीं जा रहे, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ जा रही। सुधाकर तुमने अपना नाम बदल दिया, शुभकामनाएं रख दिया।
मजाक कर रही है माँ सुधाकर जी। बाबा अपना ख्याल रखना, मैंने सुधाकर भैया को टिफिन भी दिया है। और एक बात याद रखना, मैं चंद्रपुर के जंगल में शायद नेटवर्क आए ना आए, फोन लगे ना लगे, चिंता मत करना। ये बाप और बेटी के बीच का जो दिल का नेटवर्क होता है ना, वो कभी नहीं जाता है। वाह, तुझे यहाँ थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मेरा दिल मुझे जरूर बताएगा। अरे लोखंडे जी, हमारे होते हुए मुसीबत कैसे आएगी। हाँ बाबा, अब जया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सब हैं जया का ख्याल रखने के लिए। हाँ। आयुष्मान भवा। क्या हुआ? नहीं, मजाक मजाक मजाक। चलो निकलता हूँ। नमस्ते अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए सुधाकर जी, मिलते हैं। हाय सुधाकर भैया। संभालना संभालना सुधाकर। बाय बाय। क्या हुआ? आई एम ओके, चलो। बेटा जाना पड़ेगा, बिलीव यू इन मी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जाना पड़ेगा। नहीं होता तो मैं नहीं जाता बेटा। अरे बात मानो, मैनेजर से कह दो, वो संभाल लेगा। नहीं, सरप्राइज विजिट का मतलब क्या होता है? वहाँ ऐसे पहुंच जाओ ताकि सबको पता ना चले, तभी तो पता चलता है कि प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है। पता ना, लास्ट टाइम सारा माल वापस मंगवाना पड़ा था, 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, पता है ना? हाँ, डैड याद है, झगड़ा करने तो मैं ही गया था, अच्छी तरह से याद है। और झगड़ा करने के बाद मिला क्या हमको? कुछ नहीं, सारा माल वापस मंगवाना पड़ा, 60 करोड़ का नुकसान हुआ, वो अलग से। इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है बेटा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ठीक है डैड, आप संभाल कर जाना, लेकिन डैड जैसे आप वहाँ पहुँचते ना, सबसे पहले प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए। कभी कभार है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरा बाप है। जय। हाँ जय। ये पिताजी इतनी रात को अकेले कहाँ चले गए? पिताजी चेक करने गए। क्या चेक करने गए? पिताजी चेक करने गए कि उन्हें भजन आते हैं या नहीं। भजन मतलब? बता रहा। पिताजी भजन पहले भी करते थे। हाँ, मंदिर में ना वो मंजिरा भी बजाते थे पिताजी, और ये सब करने के उनको 30 रुपए भी मिलते थे। तो हाँ, वही भजन के भजन और पैसे के पैसे मिल जाते थे। अच्छा। हाँ। और फिर? फिर उनका चलना बंद हो गया, वो पिताजी व्हीलचेयर पे आ गए ना, तो उनका जाना वहाँ मंदिर में बंद हो गया। इसीलिए पिताजी अभी वही चेक करने गए हैं कि उन्हें भजन आते हैं या नहीं मंदिर में आज अभी। हाँ, तो आज 30 रुपए भी मिलेंगे। जय, तुम्हें साथ जाना चाहिए था ना। हाँ। इतनी रात को पिताजी अकेले गए। जाना चाहिए था। हाँ। जाना चाहिए था। तो तुम गए क्यों नहीं? अरे तुम्हारी वजह से नहीं गया मैं जया। हाँ, अरे रात को यहाँ तुम घर में अकेली हो, फिर तुम डर जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं गया वहाँ। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं किसकी बेटी हूँ, ललित राव लोखंडे। मुझे कुछ डर वर नहीं लगता, तुम जाओ। पक्का? हाँ। देखो मैं अभी गया तो फिर उसके बाद जाने का तुम डरना मत। मैं कुछ डरने वाली नहीं हूँ, तुम जाओ। जाओ पक्का? मैं जा रहा हूँ पिताजी के साथ। हाँ तो जाओ ना। डरोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।
अरे मैं हूं। जय कैसा बेहुदा मजाक है। चेहरा देखो, अरे चंद्र से ज्यादा सफेद हो गया तुम्हारा चेहरा। प्लीज दिस इज रियली नॉट फनी। ओके। अरे इतना इतना क्यों डर रही हो, इतना डरते हुए मैंने कभी किसी बच्चे को भी नहीं देखा। जया तुम ऐसे डराओगे तो कोई भी डर जाएगा ना। अरे जाने तो डर गई। अच्छा ठीक है तो अपना काम खत्म करो, मैं कमरे में जाता हूँ। काम खत्म कर तुम कमरे में आ जाना। या ललित राव लोखंडे। तुम तो बस देखते रहो जय, तुम्हें मैं ऐसे डराऊंगी ना कि तुम्हारा चेहरा सफेद तो क्या, लाल पीला नीला हो जाएगा। तुम तो बस देखते रहो। कल रात तुमने मुझे डराया था ना जय, आज तुम्हें ललित राव लोखंडे की बेटी दिखाएगी कि डराना क्या होता है। आ गया। जय जय जय। यस मिस कालिया। क्यों मिस कालिया नहीं दाइमा, बोलो कोई सुनेगा। चुप। अरे मिस कालिया कौन सुनेगा, कोई होगा तो सुनेगा ना। वो नालायक सुधाकर यहाँ पर नहीं है, जो हमेशा हमको डराते हैं धमकाते हैं। मेरे माननीय ससुर जी श्री लोखंडे जी भी यहाँ पर नहीं है, कौन सुनेगा बताओ। अरे लोखंडे जी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बेटी वो छोटी लोखंडे तो घर पर है ना। तुम्हारी लोखंडे भी कहीं ना कहीं घर में कोई काम कर रही है। इट्स ओके मिस कालिया, जस्ट चिल, आराम करो। बताओ क्या काम था, बोलो। अरे जय, मिस मालपानी ने ना परेशान करके रखा हूँ। कितनी बार उनसे कहा है कि जब भी अमीरी की बातें करो तो थोड़ी सी धीमी आवाज में करो, पर वो सुनती नहीं है। अब तुम ही उन्हें थोड़ा सा डराओ धमकाओ, कुछ तो करो। अरे क्या बोलू मिस मालपानी को, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। नकली माई खड़ी करनी थी, किसी थिएटर एक्टर को ही लिया था ना। एक तो मिस मालपानी के पास इतने पैसे हैं, फ्री में करने को राजी हो गई, अब पैसे लेती नहीं तो कुछ बोल नहीं सकता। अरे भाड़े की माँ होती तो कम से कम डांट तो पाता। और नहीं तो क्या, अब उर्मिला को देखो, वो भी तो यहाँ नकली बहन बनकर सारा दिन यहाँ रहती है, उसके बाद रात को अपने घर जाती। और मैं भी तो ऑफिस छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, अपना बॉयफ्रेंड छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी जवानी छोड़कर फुल टाइम यहाँ पर बुड्ढी दाइमा बनी हुई हूँ। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल रहे हैं ना। मिस मालपानी भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ दिन अपनी अमीरी भूलकर यहाँ पर सब संभालेंगी तो उनकी करोड़ों की जायदाद कुछ कम हो जाएगी क्या? इसी शांत मिस कालिया, अब कोई ना कोई सुन लेगा। मेरी स्पेशल मेहंदी आएगी, वो भी इस्तांबुल से। इस्तांबुल? इतना फुल। अरे वो तो आप हो उर्मिला, तो मेरी टेंशन थोड़ी कम है। और हमेशा याद रखना, हम सबको मिलकर माँ को, मिस मालपानी और उनकी अमीरी को हमेशा छुपाना है, ओके? राइट। अच्छा भाई, तो मैं बताना भूल गया था, और डैड को आजकल रात को फैक्ट्री की विजिट करनी पड़ रही है। रात को की? और प्रोडक्शन चेक करने के लिए, सब ठीक जा रहा है नहीं, पिछली बार 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। हाँ। ये +82 कहाँ का कोड है? ये हांगकांग का। हांगकांग? अरे वो अपने हांगकांग वाले ऑफिस से फोन लगा, उठा। हेलो, ओ या, हाय सूजन। Yeah, Susan, I got your mail. No, I still have to check the same with Mr. Paramveer Chopra. Yeah, my father. But once I check and then I shall get back to you. No, see, the logistics are fine, but we are not very sure about the investments and the income ratio per year. So let me just check on that and I shall get back to you and we shall take it further thereafter. Yeah, okay. Thanks, Susan. +44 number pe jab bhi phone aaya na tumhe, tum kabhi mat uthana tum. पैसे कट जाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।